अब बज रहा है छ बजे ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है गैमिट फॉर्मेशन को क्या कहते हैं गैमिटोजेसिस के नाम से जानते हैं ठीक है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल फीमेल ट्रैक्ट इंसेमिनेशन कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमिट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं जानते ही हो आप अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू यूट्राइन वॉल इंप्लांटेशन कहते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को गेस्टेशन और डिलीवरी को पार्च्य के नाम से जाना जाता है हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिस होते हैं एसेसरी डक्ट ग्लैंड और एक्सटर्नल जीनेटेलिया होते हैं टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रॉटम में होते हैं जहाँ पर दो से ढाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है टेस्टिस की लेंथ चार से पाँच सेंटीमीटर और विद दो से तीन सेंटीमीटर होती है एक टेस्टिस के अंदर ढाई सौ कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं

टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन को प्रोड्यूस करती हैं मेल एसेसरी डक्ट में रेटे टेस्टिस वासाई फ्रेंशिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस आते हैं और इसी सीक्वेंस में इनको याद करना है आपको ठीक है इसी सीक्वेंस में इनको याद करना है जो यूरिथ्रा होता है यूरिन ब्लैडर से निकलता है और पेनिस के थ्रू पास होकर यूरिथ्रमिटर्स के फॉर्म में ये ओपन करता है पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है और ये, ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो इरेक्शन में मदद करते हैं जिससे इंसेमिनेशन फैसिलिटेट होता है एंड ऑफ ऑफ पेनिस पेनिस को ग्लांस पेनिस कहते हैं जो लूज फोल्ड स्किन से कवर होता है जिसे फोर स्किन के नाम से जानते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड में पेयर्ड से एक प्रोस्टेट और पेयड बल्बो यूरिथरल ग्लैंड प्रेजेंट होती है इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है उसे सेमल प्लाज्मा कहते हैं जो फ्रक्टोज और कैल्शियम सर्टेन एंजाइम में रिच होता है हर साल ये सवाल आपसे पूछा जाता है बल्बोथ ग्लैंड का जो सिक्रीशन है ये लुब्रिकेशन में भी मदद करता है फीमेल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक पेयर ओवरीज होती हैं है ना इसके अलावा एक्सटर्नल जेनेटेलिया हैं एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होती हैं जो फीमेल गेमिट को प्रोड्यूस करती है और स्ट्रॉयड हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है ओवरी की लेंथ दो से चार सेंटीमीटर होती है दो से चार सेंटीमीटर होती है ओवरी में जो स्ट्रोमा होता है ओवरिन स्ट्रोमा इसके दो जोन होते हैं पेरीफ्रोकॉर्टिक्स और इनर मेडुला रीजन पाया जाता है ओवीडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब्रस और वेजाइना ये फीमेल एसेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और ओवरी से लेकर यूट्रस तक एक्सटेंड करती।, करती है ओवरी से यूट्रस तक एक्सटेंड करती है द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज कॉल्ड ओवरीबुलम द एजेस ऑफ इन्फेंडिबुलम पजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल द कलेक्शन ऑफ द ओवम ये देखो फेलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट इन्फेंडिबुलम एम्प्लोर स्थमस जो फिम्बरी है ये ओवम को कलेक्ट करने का काम करती हैं जो एम्पुला होता है ये वाइडेस्ट पार्ट होता है और जो स्थमस होता है ये यूट्रस के साथ में ज्वाइन करता है यूट्रस सिंगल होता है इसे ओम भी कहते हैं इसका सेप इन्वर्टेड पियर लाइक होता है और यूट्रस वेजाइना से में ओपन करता है नैरो सर्विक्स के थ्रू कैविटी ऑफ सर्विक्स को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं और सर्वाइकल कैनाल सर्वाइकल कैनाल एलोंग विद द वेजाइना सर्वाइकल कैनाल सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करता है यूट्रस की वॉल में थ्री थ्री लेयर होती है मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम मिडिल मायोमेट्रियम और इनर ग्लैंडुलर लेयर एंडोमेट्रियम होती है जो एंडोमेट्रियम होती है इसमें मेस्ट्रोल साइकिल के दौरान लगातार साइक्लिकल चेंजेस होते हैं और, है। और मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होते हैं बच्चे के जन्म के समय फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में पांच पार्ट है लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा हाइमेन एंड क्लाइटोरिस अब इसमें जो यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है ओपनिंग ऑफ वेजा इज ऑफ एंड कवर्ड बाई दाइमे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फर्स्ट तो इंटरकोर्स uh, लेकिन ये सडन फॉल या जोल्ड इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्प एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट लाइक हॉर्स राइडिंग साइकिलिंग की वजह से भी रप्चर कर जाती है इसका मतलब कुछ वुमेन में ये हाइमेन परसिस करती क्वाइटस के बाद यानी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द सेक्सुअल एक्सपीरियंस और वर्जिनिटी चलिए मेमोरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल का कैरेक्टरिस्टिक होता है मेमोरी ग्लैंड बना होता है ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है उसमें 10 से 15 से 20 मेमोरी लोब होती हैं मेमोरी लोब की अगर हम बात करें मेमोरी लोब की जो सेल होती है उनको एलविलाई का नाम दिया जाता है ठीक है जो एलविलाई uh, होती हैं एलविलाई uh, होती हैं ये मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन करती मेमोरी ट्यूब्यूल मेमोरी डक्ट को बनाती मेमोरी डक्ट ओपन करके मेमोरी एम्पुला को बनाती है और मेमोरी एम्पुला लेट्टी डक्ट में ओपन करती जहां से मिल्क को बच्चा सक कर लेता है गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमिट ट्रांसफर ठीक गैमिट ट्रांसफर तो पहले हम स्पर्म के फॉर्मेशन की बात करेंगे जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने के लिए यहां पर आपको एक फिगर भी दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ गया फिगर यह है स्पर्मेटोगोनिया होती हैं जिनमें माइटोसिस के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं इनमें फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और पहला डिवीजन होने से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है सेकेंड म्योटिक के डिफ्रेंसिएशन से स्पर्मेटोजोवा का फॉर्मेशन होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में छियालीस क्रोमोसोम बाकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में छियालीस क्रोमोसोम प्राइमरी सेकेंडरी में स्पर्मेटिड में स्पर्मेटोजोआ

दो गोनाइडोट्रोपिन यानी एल एच और एफ एस एच को सिक्रिएट कराता है एल एच और एफ एस एच को सिक्रिएट कराता है जो एल एच होता है ये सेल के ऊपर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन और जो एंड्रोजन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं एफ एस एस सर्टोली सेल पैक करता है और कुछ ऐसे फैक्टर को सिक्रिएट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करते हैं ठीक है आगे बढ़े ह्यूमन स्पर्म के चार पार्ट होते हैं हेड नेक मिडिल पीस और टेल ठीक है स्पर्म के हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है और एक एक्रोसोम एक नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं ठीक है जो मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो आ, इस एनर्जी देते हैं टेल के मूवमेंट के लिए ठीक है ये देखिए यहाँ पर हेड दिखाया गया है नेक है मिडिल पीस है और ये टेल चार पार्ट यहाँ पर आपको दिखाया गया माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सोर्स होता है स्विमिंग करने के लिए ह्यूमन मेल एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजेकुलेट करता है जिसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 40 परसेंट स्पर्म में नॉर्मल सेप और साइज और कम से कम 40 परसेंट में विग्रस मोर्टेलिटी होनी चाहिए 60 परसेंट का नॉर्मल सेप और साइज होना चाहिए सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों को मिला सीमेन का नाम देते हैं उजेनेसिस में फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है ठीक ऊजेनेसिस में फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है ये फिगर आपके एग्जाम में पूछा गया तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं यहां पर इसका भी फिगर यहाँ पर दिया गया ये देखिए उगोनिया से प्राइमरी प्राइमरी से सेकेंडरी सेकेंडरी और से जो होती है इसी से आगे चल के ओवम का फॉर्मेशन होता है जो सेकेंडरी ऊसाइट होती है उसको इनकरेक्टली हम ओवम कह देते हैं ना सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म है न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होने से सेकेंडरी ऊसाइट ओवरी से रिलीज होता है जिसको ओवलेशन कहते हैं ओवलेशन में कभी ओव निकलता ही नहीं है एक्चुअली सेकेंडरी साइड निकलता है जिसको हम ओव कह देते हैं मेस्ट्रोअल साइकिल साइकिल की बात करें तो फीमेल प्राइमेट में साइकिल होती मंकी एप और ह्यूमन बींग में जो फीमेल होती है उनमें मेस्ट्रोल साइकिल चलती है मेस्ट्रोअल साइकिल की शुरुआत होती है प्युबर्टी पर जिसे मीनार्ची कहा जाता है एवरेज टाइम 28 से 29 डेज का होता है और मिडिल ऑफ साइकिल में एक एक रिलीज होता है पहली फेज होती है, फेज, जिस होता है तीन से पांच दिन के तीन से पांच दिन शुरुआत के जो होते हैं क्यों होता है एंड्रोमेटर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस मैस्ट्रेसन तभी होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता लेकिन लैक ऑफ मेस्टुएशन यानी लैक ऑफ मेन्स्ट्र प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव होता है लेकिन पुअर हेल्थ और स्ट्रेस की वजह से भी जो मेंस्ट्रुएशन है ये नहीं होता है मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आती है फॉलिकुलर फेज फॉलिकुलर फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकुल डेवलप होकर फुल्ली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनाती है और दूसरी तरफ यूट्रस के एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है प्रोलिफिशन के द्वारा एल एच और एफ एस एस दोनों का पीक लेवल आता है फोर्टीन डे पर जिससे ओवलेशन होता है और ओवलेशन होने से जो ओवलेशन होने से जो ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर करता है उससे ओव रिलीज होता है और बचा हुआ जो ग्रेफियन फॉलिकल का हिस्सा में को करता है जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है अब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है पचास ईयर की एज पे जिसे मीनो के नाम से जाना जाता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक टॉपिक एनसीआर में आपको दिया गया है जो कि आप जानते ही होंगे थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप एंड इम्प्लांटेशन अगर फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं तो बेटा फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी पहले एम्पुलरी एम्पोलरी जंक्शन एनसीआरटी में लिखा हुआ था अब एम्पुलरी रीजन आपको बताया गया फर्टिलाइजेशन के लिए तो फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में होता है जिसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है ना जायगोट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया फिर जाइगोड जो होता है बेटा इसमें माइटोटिक डिवीजन शुरू होते हैं जिन्हें क्लीवेज कहा जाता है जिससे टू फोर एट सिक्सटीन डॉटर सेल बनती है जिन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं आठ से सोलह सेल, सेल स्टेज को मोरूला का नाम दिया जाता है मोरूला डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है और जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें आउटर लेयर प्रोफोब्लास्ट होती है और इनर ग्रुप सेल का होता है जिसे इनर सेल मास कहते हैं जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एंडोमेट्रियम से अटैच होती है और इनर सेल मास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है अटैचमेंट के बाद यूट्राइन सेल डिवाइड करती हैं और ब्लास्ट्रोस इसको कवर कर लेती हैं जिसे इम्प्लांटेशन का नाम दिया जाता है और इम्प्लांटेशन होते ही प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है प्रेगनेंसी यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटरनल बॉडी इज कॉल्ड सेंटा प्लेसेंटा का, का काम क्या है ये ऑक्सीजन को सप्लाई करती है न्यूट्रिय को सप्लाई करती है एम्ब्रीओ तक और वहां से एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने का काम करती है प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर अम्बलाइकल कॉर्ड होता है अम्बलाइकल कॉर्ड होता है प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू है जो एस सी एच पी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है और रिलैक्सिन हार्मोन भी

बाई द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस डेवलप लिम्ब डिजिट तीन महीने की प्रेगनेंसी के बाद ज्यादातर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं जैसे well लिम्ब और एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन आर वेल डेवलप पहला मूवमेंट और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड ये फिफ्थ मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान होता है और छह महीने की प्रेगनेंसी के बाद में बॉडी कवर्ड विध फाइन हेयर आईलिट सेपरेट एंड आईलेसेस फॉर्म हो जाती हैं नौ महीने की प्रेग्नेसी कम्प्लीट होने के बाद एवरेज ड्यूरेशन जो प्रेगनेंसी नौ महीने जिसे गेस्टेशन पीरियड का नाम दिया जाता है और गेस्टेशन के बाद बच्चे का जो जन्म होता उसे है उसे पार्चुरेशन कहते हैं चाइल्ड बर्थ को पार्चुरेशन कहते हैं पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मकैनिज्म है और द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन खूब पूछा गया है फुल्ली डेवलप फिटस एंड प्लसें प्लसेंटा से पार्चुरेशन के सिग्नल एराइज होते हैं जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कराते हैं जिन्हें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जाना जाता है लैक्टेशन की अगर हम बात करें तो मिल्क का जो सिक्रीशन होता है जब जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन होता है जिसे लैक्टेशन कहते हैं और शुरुआत के कुछ दिनों का जो मिल्क होता है वो गाढ़ा पीला होता है जिसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं जिसमें एंटीबॉडी आई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है